सामने गुरुद्वारिका है, देख सकते हैं। और ये है सैंडविच पिज्जा, मतलब कि छोले कुछ है खाएंगे। अभी हो गया इस ट्रेन में बैठने के। दोस्तों मैं इस टाइम हूँ चांदनी चौक, जो कि यह न्यू दिल्ली में पड़ता है, और ठीक सामने आपको लाल किला देखने के लिए मिलेगा। और ये देख रहे हैं इसके अगल बगल जाने के लिए रास्ता बना है, बीच में चांदनी चौक का जो रिक्शा है वो जाते हुए आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम में आया हूँ चांदनी चौक घूमने के लिए। यहाँ की क्या चीज़ है कुछ खाने पीने के लिए, वही मैं खाने का मैं प्रयास करूँगा। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज हमको जाना है वाराणसी, ट्रेन पकड़ना है शिवगंगा एक्सप्रेस। मैं सोचा हूँ कि थोड़ा क्यों ना थोड़ा चांदनी चौक ही घूम लिया जाए, तो मैं फ़िलहाल में अभी चांदनी चौक में घूमूंगा। और ये देख रहे हैं चांदनी चौक का मार्केट है, और यहाँ पर इधर ही कहीं चोर बाज़ार भी लगता है, जो कि 2 घंटे का रहता है। और ठीक सामने लाल किला आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और हम एक डेग सामान भी लिए हैं, जो कि है हमारे पास कल मार्केटिंग किए हैं, जो कि ठीक लाल किला के बगल में ही लगा था, जामा मस्जिद में लगा था, मीना बाज़ार लगा था, तो ढेर सारा शॉपिंग किए हैं। और यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ भी है, हालांकि हमको सही नहीं समझ आ रहा है कि क्या मैं खाऊँ। यहाँ का फेमस ही छोले भटोले है, और क्या है, बहुत कुछ चीज़ खाने के लिए यहाँ पर है, लेकिन हमको नहीं समझ आ रहा फेमस क्या चीज़ है। यहाँ पर मोमोज भी है, चाट है, देख रहे हैं। अभी न्यू दिल्ली जाना है मेट्रो स्टेशन पर, और देख रहे हैं ये अपना तिरंगा जो कि फहराया जा रहा है यहाँ पर, ये लाल किला के सामने। और ये कुछ आगे भी कुछ बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैग भी टांग लिए हैं, ये देख रहे हैं बैग एक हाथ में लिए हैं, आए थे एक बैग लेकर जा रहे हैं 2 बैग लेकर, मतलब एक एक्स्ट्रा है उसमें सारा सामान रखे हुए हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा, अभी बारिश हो रहा था, ये देख सकते हैं मौसम देखेंगे तो सुहाना मौसम है, ठंडा हवा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं, फिलहाल में चाय पीने का मन है, क्योंकि मौसम के हिसाब से चाय पियेंगे तो सही रहेगा। ये सामने गुरुद्वारिका है, देख सकते हैं गुरुद्वारिका दिल्ली में पड़ता है, ये देख रहे हैं। और इस साइड में देखिए बना हुआ है गुरुद्वार के लिए, फ़ोटो भी यहाँ से खिंचवा सकते हैं, बना हुआ है जो कि सरदार लोग पूजा पाठ करते हैं। गुरुद्वार का है, गोरी द्वारका में फ्री पानी भी पिलाया जा रहा है, तो हम प्रसाद के रूप में उसे पियेंगे, अमृत के रूप में एक गिलास यहाँ पर पिलाया जा रहा है। प्रसाद भी रखा गया है चढ़ाने के लिए, और हल्का फुल्का बारिश भी होने लगा, जिससे ये मार्केट न्यू दिल्ली का। चलेंगे थोड़ा और आगे, थोड़ा बहुत तो पानी बरसेगा ही। और यहाँ पर देखिए गुरुद्वारिका, मन में नहीं आ रहा कैसे जाएंगे, देखते हैं बारिश होने का, बंद होने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर सभी बैठे भी हुए हैं, साइड में बैग भी हमारा इसी तरफ है। और ये है चांदनी चौक मार्केट, देख रहे हैं सामने लाल किला आप उसको देखने के लिए भाई जी एडिट करें घर जाके। हाँ बहुत बढ़िया, और इस साइड में देखिए साउंड ऑन मार्केट है, बत्ती मार्केट है, ये देख रहे हैं। और इस रास्ते से आए हैं, चलिए देखते हैं कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। इस तरफ घूमने के लिए निकल दिए हैं, साइड में मार्केट ही मार्केट है पूरा लंबे के मार्केट में। यहाँ पर ये देखिए 10 रुपये कीवी मिल रहा है, देख रहे हैं 10 रुपये कीवी खाएंगे। और इस साइड में देखिए मार्केट साउंड ऑन का है,
उस साइड में अंडे का है, चलेंगे उस साइड में। ये ठीक सामने श्री जगदम्बा जैन लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है और लाल किला के पास आ चुके हैं, जो कि गेट इधर ही से है जाने के लिए। और ये आपका मेट्रो स्टेशन के लिए रास्ता गया है और ये है आपका चांदनी चौक मार्केट। काफ़ी अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते सामान मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अक्सर करके ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक में ही सामान यहाँ पर सस्ते मिलते हैं। तो मैं एक कवर लिया हूँ जो कि बोल रहा था 120 रुपये, दिया 50 रुपये में, क्या महंगा दिया, और भी सस्ते देता लेकिन बट एक ही सामान लेना था इसीलिए मैं ले लिया। और ये मार्केट है, ये है सैंडविच पिज़्ज़ा, मतलब कि देख सकते हैं, और ये 50 रुपये का है। छोले कुछ है खाएंगे क्योंकि भूख भी लगा है, तवा पर सेक कर दे रहे हैं। और छोले भी है, कौन सा बटर है भैया, बटर कौन सा, नेट्रो लाइट बटर है, लगा कर देंगे। और देखिए बाहर बारिश भी हो रहा है और यहाँ पर उनका शॉप है, यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं छोले और रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, ये है आई साइड से जाना है न्यू दिल्ली के प्लेटफार्म OB 8 है और इस साइड में 9 है, तो 8 नंबर पर वो आएगी बनारस वाली शिवगंगा एक्सप्रेस, बल्कि देखते हैं किधर से आती है, इस साइड से कि इस साइड से, कंफ्यूजन भी है। और ये है शिवगंगा एक्सप्रेस जो कि हम पहले ही आकर सोचे थे बैठने के लिए, लेकिन प्लेटफार्म नहीं पता था और ट्रेन पूरा बुक भी हो गया है और चलेंगे स्लीपर वाले में, यानी रिजर्वेशन वाला जो है उसी में चलेंगे बैठकर। ट्रेन में बैठ गए हैं, देखिए वंदे भारत है जो कि आज देखने के लिए मिला है, वंदे भारत जो कि 1800 की 1700 रुपये इसका टिकट है, ये काफ़ी तेज़ 6-7 घंटा में पहुँचा देती है वंदे भारत, लग रहा है काफ़ी आईवी भी है। और यहाँ पर देखिए दूसरे की सीट पर बैठा हूँ, देखते हैं सीट मिल जाता है या नहीं, अभी लाइट भी नहीं जला है। करीब 3:30 बज रहा है और यात्री लोग कृपया सोए हुए हैं और हमें ये सीट मिल गया है। और यहाँ पर स्लीपर में ही बैठे हैं ये भैया, कुछ खड़े होकर कुछ सोकर भी आ रहे हैं, देखते हैं ऐसा। ये है प्रयागराज स्टेशन यानी इलाहाबाद, बहुत काफ़ी 2 घंटा लेट है इस टाइम प्रयागराज स्टेशन। झगड़ी झगड़ा भी हो गया इस ट्रेन में, देखो बैठने और 6 बजे का टाइमिंग था, रात में बहुत ज़्यादा रुक दिया था, अभी सभी यात्री उतर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं जो कि जा रहे हैं, अब जाना है कैंट, कैंट से पांडेपुर, पांडेपुर से पचकोसी, तो चलिए घर पर चलते हैं और दिखाएंगे क्या क्या चीज़ शॉपिंग किए थे दिल्ली से। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये है, पहले यह स्टेशन मरुआडी था, अब बदल कर इसे बनारस रखा गया है कि स्टेशन किस पार आ चुके हैं, उस पार भी था ये जो कि कुछ वो नया बना हुआ है, ये पुराना वाला इस साइड में है।